हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं फ्लेक्सोन एमआर टैबलेट के बारे में। दोस्तों बात करेंगे इस फ्लेक्सोन एमआर टैबलेट को कब इस्तेमाल किया जाता है, इसके इस्तेमाल करने का क्या सही तरीका है, इसके इस्तेमाल करने से कौन कौन से साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं और कितनी मात्रा में फ्लेक्सोन एमआर टैबलेट को इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। दोस्तों फ्लेक्सोन एमआर टैबलेट की बात करें तो इसको अरिस्टो फार्मास्यूटिकल कंपनी इसको मैन्युफैक्चर किया करती है, जो कि बहुत ही फेमस एक जानी मानी फार्मास्यूटिकल कंपनी है। दोस्तों इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसके अंदर तीन तरह के इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए गए हैं, आइब्रूफेन 400 mg और पैरासीटामोल 325 mg और क्लोरोक्सोन 250 mg। इन तीनों इंग्रेडिएंट को इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों प्राइस की बात करें तो 28 रुपये में ये 10 टैबलेट का पूरा एक स्ट्रिप आता है। दोस्तों इसका जो प्राइस है समय के हिसाब से इंक्रीज़ होता रहता है, इससे मुझे इसका प्राइस है वो इधर मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों बात करते हैं इस फ्लेक्सोन एमआर टैबलेट को कब इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इस टैबलेट का जो इस्तेमाल किया जाता है, यदि दोस्तों कहीं पर भी आपके हाथ पैरों में दर्द की समस्या रहती है तो उस कंडीशन में दोस्तों ये टैबलेट बहुत अच्छा काम करती है। उसके साथ साथ दोस्तों यदि आपके मसल्स रिलैक्सेशन की कोई समस्या रहती है, जो आपके मसल्स में दर्द की समस्या रहती है, तो उस कंडीशन में ये टैबलेट बहुत अच्छा काम करती है। उसके साथ साथ दोस्तों यदि आपके सिर में दर्द रहता है, आपके पीठ दर्द की समस्या रहती है, आपके दांतों में दर्द की समस्या रहती है, तो इन सभी को दूर करने का भी ये टैबलेट काम करती है। यदि आपके कान में दर्द की समस्या रहती है तो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों ये जो टैबलेट है एंटी इन्फ्लेमेटरी एनाल्जेसिक और मसल्स रिलैक्सेंट के रूप में ये टैबलेट काम करती है। दोस्तों आपके कितना ही भयंकर दर्द की समस्या क्यों ना हो, मात्र एक गोली के इस्तेमाल करने से जो आपका दर्द है बिल्कुल गायब हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं इसको कैसे इस्तेमाल करना रहता है। दोस्तों इस फ्लेक्सोन एमआर टैबलेट का जो इस्तेमाल करना है आपको, दिन में सुबह शाम एक एक टैबलेट इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसके इस्तेमाल करने से मतली हो सकती है, उल्टी हो सकती हैं, पेट ख़राब हो सकता है। इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं जो किसी किसी में देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं तो अपने डॉक्टर की देखरेख में ही करें, खुद से इस टैबलेट का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। दोस्तों आप इसको किसी भी केमिस्ट या मेडिकल शॉप से ख़रीद सकते हैं, आपको आसानी से मिल जाएगी, नहीं भी मिलती है तो आप इसको ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। आई हो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।